दोस्तों, मोदी जी के बेटी बचाओ नारे को लगता है स्मृति ईरानी जी ने बड़े ही सीरियसली ले लिया है, इसीलिए अब वो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से देश की बेटियों को बचा रही है, देश की महिलाओं को बचा रही है। और जाहिर सी बात है, ये काम उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वो महिला विकास मंत्री का पोस्ट पे बैठे हुए हैं बीजेपी में। ये बात और है कि देश भर में इनकी केंद्र सरकार में हर स्टेट्स में महिलाओं के रेप हो रहे हैं, लेकिन ये उस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। इनके खुद के स्टेटों में भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, रिसेंटली बरेली में एक लड़की का रेप हो गया, उससे पहले गाज़ियाबाद में एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया, उससे पहले लखीमपुर खीरी में दो हिंदू दलित बच्चियों का रेप करके उन्हें मार दिया गया। लेकिन इन सारी घटनाओं पर ये महिला विकास मंत्री पूरी तरह से चुप्पे साधे रहती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ रहता है। ये बात और है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इन्हीं महिलाओं के मुद्दे पर ये सड़कों पे उतर जाती थी, लेकिन अब इनकी सरकार में पूरी तरह से इन्होंने मौन धारण कर लिया है। भले ही देश भर में कितने भी महिलाओं के रेप्स हो जाएं, लेकिन इनको सिर्फ राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से ज़्यादा डर लगता है और ये महिलाओं को राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से ज़्यादा बचाने चाहती हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियों के नेता अब इन पर टूट पड़ रहे हैं। मगर क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया और अभी फैक्ट चेक करूंगी मैं और बताऊंगी कैसे आप वीपी सिंह की सरकार में शामिल थे, समर्थन दे रहे थे। जिन वाक्यों को आपने गिनाया, तब आपके लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती है, किस मुंह से बात करती है क्विट इंडिया मूवमेंट की? जिस दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आवाहन किया था, मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष, नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी गिरफ्तार हुए आज के दिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर बोला था कैसे उस आंदोलन को कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनको क्या लगता है इनके झूठे आक्रोश से इतिहास बदल जाएगा? स्मृति ईरानी, अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। बाल विकास मंत्री है, महिला विकास मंत्री है, क्या आपने हिम्मत की मणिपुर की बहनों की जो सच्चाई है बयान करने की सदन में? आप अपने फर्ज से भाग रहे हो। कृपया करके झूठ को सच और सच को झूठ मत बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए एमपी बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है, वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से।